डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का बेसिडियो माइकोटा। प्रीवियस टॉपिक आपने कल पढ़ा था आस्को माइकोटा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है बेसिडियो माइकोटा, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। तो देखें, बेसिडियो माइकोटा रिमूव आउट फ्रॉम द बेसिडियो माइसीट्स, कि ये जो बेसिडियोमाइकोटा होता है ये बेसिडियोमाइसीट्स से निकला है। बेसिडियोमाइसीट्स मींस क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइसीट्स का मतलब है क्लब फंजाई। तो इट मींस कि बेसिडियोमाइकोटा आर आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई का नाम देते हैं। अब हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है इसकी फॉर्म्स का। तो देखें, पहला पॉइंट जो हमारे पास कि जो बेसिडियोमाइकोटा होते हैं ये एडिबल मशरूम्स होते हैं। एडिबल मशरूम का मतलब है ये खाए जाते हैं, यानी खुराक के तौर पे भी हम इस फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो डेंजरस प्लांट पैथोजेंस होते हैं। डेंजरस प्लांट पैथोजेंस का मतलब है कि ये पौधों के अंदर डिफरेंट डिजीज को कास करते हैं, यानी कि पौधों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां ये फैलाते हैं। उनमें एक है हमारे पास रस्ट और दूसरी है सिमर। ये दोनों डिजीज कास करता है बेसिडियोमाइकोटा इन प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर। तीसरा पॉइंट कि जो बेसिडियोमाइकोटा होते हैं वो पफ बाल होते हैं। चौथा, ये ब्रैकेट इन नेचर होते हैं, यानी इसको ब्रैकेट फंजाई का नाम भी दिया जाता है। ब्रैकेट फंजाई आर आल्सो कॉल्ड शेल्फ फंजाई। इस ब्रैकेट फंजाई को हम शेल्फ फंजाई का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने स्टार्ट करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम, कि ये बेसिडियम बनते कैसे हैं। तो देखें, व्हेन बेसिडियोमाइकोटा प्रोड्यूस क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि जब बेसिडियोमाइकोटा एक क्लब की तरह की रिप्रोडक्टिव साख्त बनाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं बेसिडियम का। ये बेसिडियम एक सेक्स है हमारे पास। बेसिडियम इज ए सेक्स इन विच बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट स्टार्ट करना है बेसिडियोस्पोर। अब बेसिडियम तो बन गई, अब इस बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते कैसे हैं। व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ बेसिडियम फ्यूज टू ईच अदर, कि जब एक बेसिडियम के न्यूक्लियाई इस तरह आपस में जुड़ जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि जब एक मियोसिस का अमल बेसिडियम के न्यूक्लियाई के अंदर होता है तो बेसिडियम के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड फॉर्म फोर हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर, और ये चार तरह के हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बना देते हैं। ईच बेसिडियम हैज फोर बेसिडियोस्पोर। जैसे कल आपने पढ़ा था आस्को माइकोटा के अंदर, तो वहां पे हमने बात की थी एस्कस की। तो हमने कहा था ईच एस्कस हैज एट आस्कोस्पोर, कि हर एस्कस के अंदर आठ एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। तो इसी तरह ईच बेसिडियम हैज फोर बेसिडियोस्पोर, हर बेसिडियम के अंदर चार हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी हैफी की बात करें तो दे आर हैफी आर सेप्टेट। इनकी जो हैफी होती है वो सेप्टेट होती है। सेप्टेट मीन्स कि क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट इन द हैफी, यानी कि ये जो क्रॉस वॉल होती है वो इस हैफी के अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए जो बेसिडियोमाइकोटा होते हैं वो एक सेप्टेट हैफी बनाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके फेज ऑफ लाइफ की बात करें तो देयर आर टू फेज ऑफ लाइफ। बेसिडियोमाइकोटा की लाइफ के दो फेज हैं, दो मरहल होते हैं। उनमें अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, द फर्स्ट फेज ऑफ बेसिडियोमाइकोटा फॉर्म्स, या बेसिडियो फर्स्ट फेज ऑफ बेसिडियोमाइकोटा है सेल्स। दीज सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट्स,
ये जो सेल्स होते हैं जो फर्स्ट फेज के अंदर बनते हैं वो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनि कहते हैं सिंगल को, इट मीन्स कि ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी सेल, यानी जो फर्स्ट फेज के अंदर सेल्स बनते हैं तो वो यूनिन्यूक्लिएट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके सेकेंड फेज की बात करें तो ए ड्यूरिंग द सेकेंड फेज, इस सेकेंड फेज के दौरान सेल्स आर बाई न्यूक्लिएट, ये जो सेल्स होते हैं ये बाई न्यूक्लिएट होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, टू का मतलब है टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स, इन सेल्स के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं बाई न्यूक्लिएट का। इसकी अगर हम फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डाइकैरियोटिक माइसीलियम, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर बनती है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी ये बॉडी होती है फंगस की, बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, और इस माइसीलियम के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज तैयार होते हैं बनते हैं। इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो रस्ट फंजाई एंड सिमाट फंजाई आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बिसीडियोमाइकोटा। इस बिसीडियोमाइकोटा की जो आम मिसालें हैं वो रस्ट और सिमाट फंजाई होती हैं। रस्ट फंजाई आर आल्सो कॉल्ड पॉक्सिनिया, इस रस्ट फंजाई को हम पॉक्सिनिया का नाम देते हैं, और जो सिमाट फंजाई होती है सिमाट फंजाई इज आल्सो कॉल्ड ऑस्टिगोलैगो, ऑस्टिगोलैगो कहते हैं, ये भी एक फंजाई का साइंटिफिक नेम होता है सिमाट फंजाई का। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप में शेयर करके सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।